जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही द एशेज सीरीज 2021। आप सभी को बता दें, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में इंग्लैंड का पत्ता साफ कर दिया है टीम ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने, जहां पर दोस्तों अपनी तेज गेंदबाजी सभी को प्रभावित करते हुए इंग्लैंड के 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में चटका दिया 147 रन पर। तो बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग हाईलाइट्स के बारे में, किस तरीके का भी स्कोर कार्ड रहा, किस बल्लेबाज ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करी, और वहीं दोस्तों किस गेंदबाज ने यहां पर सबको प्रभावित करते हुए टीम इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा दिए इस फर्स्ट इनिंग्स के दौरान। सारे विश्व क्रिकेट प्रेमियों की दोस्तों निगाहें इस ऐसे सीरीज पर है। खतरनाक ये सीरीज है, खतरनाक इसका नाम है, लेकिन जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई इसमें लग रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदानों पर अपना दबदबा कायम रखेगी। और अगर आप ये मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं कि इस चैनल पर आप देख सकते हैं, फोन के माध्यम से आप कैसे देख सकते हैं, और दोस्तों कब ये आपको मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको दोस्तों पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट पाते रहे। तो बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की एशेज सीरीज के बारे में, साल 2019 की सीरीज तो कोई भूला नहीं होगा, किस तरीके से बैन स्टॉक, स्टीव स्मिथ जैसे खतरनाक खिलाड़ियों ने अपना खेल दिखाया था, लेकिन दोस्तों यहां पर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है पहले ही टेस्ट मैच से। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोस्तों पहले ही खबर सामने आई कि जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलेंगे, उसके बाद 12 मैन स्क्वाड यहां पर अनाउंस की गई, तो यहां पर दोनों की ही दमदार नजर आई प्लेइंग 11। अब बात करें आज के दिन के खेल की, तो ठीक सुबह 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू हुआ था, यानी कि 5:30 AM दोस्तों ये शुरू हुआ था मुकाबला। अगर आप ये मुकाबला देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं, सोनी 10/3 हिंदी कमेंट्री, सोनी 6 इंग्लिश कमेंट्री, और अलग अलग भाषाओं के लिए अलग आप सोनी के चैनल्स पर देख सकते हैं, तमिल तेलुगु में भी शायद आपको देखने को मिल जाए। अब वही बात करें आज मुकाबले में दोनों ही की कप्तानी और दोनों की ही प्लेइंग 11 के बारे में, तो टिम पेन ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी छोड़ दी थी यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट के इस ऐसे सीरीज से पहले, जहाँ पर पैट कमिंस को कप्तानी सौंपी गई और स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की आज के टेस्ट मैच में, तो डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशाना, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी जो विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन के रूप में आए हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और इनके साथी खिलाड़ी नेथन लायन और जोस हेजलवुड देखने को मिले। वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 थी दोस्तों रोरी बंस, हसीब हमीद, डेविड मलान, जो रूट, बैन स्टॉक की वापसी हुई दोस्तों, सबसे बड़ा नाम इस सीरीज में बैन स्टॉक, ओली पॉप, जोस बटलर, क्रिस वॉक्स, ओली रॉबिन्सन, मार्क वुड और जैक लीच हमें देखने को मिले। इंग्लैंड के कप्तान है जो रूट। वहीं बात करें दोस्तों किस तरीके से यहां पर इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों यहां पर टॉस जीता है इंग्लैंड ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये गाबा का वही ऐतिहासिक मैदान है जहां पर आप सभी को याद होगा साल 2021 की शुरुआत में किस तरीके से टीम इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस मैदान पर मुकाबला जीता था। एकदम हरी पिच देखने को मिल रही दोस्तों द गाबा ब्रिस्बेन की, जहां पर तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती नजर आई। या आप देख ही सकते हैं कि कैमरन ग्रीन को एक विकेट मिली, तो वहीं पैट कमिंस कप्तान ने दोस्तों फाइवर यानी कि 5 का पंजा खोल लिया पहले ही मुकाबले में 13 ओवर के अंदर। 2 विकेट जोस हेजलवुड और 2 विकेट मिचेल स्टार्क ने चटकाई। शुरुआत से बात करें तो रोरी बंस और हसीब हमीद ओपनिंग करने के लिए आए थे दोस्तों। रोरी बंस पहली ही गेंद पर, मतलब आप सोच नहीं सकते किस तरीके की यह शुरुआत रही यहां पर ऑस्ट्रेलिया की। पहली गेंद थी मैच की, सामने थे मिचेल स्टार्क, उनके सामने थे रोरी बंस। पहली गेंद पर गोल्डन डक आउट किया यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने रोरी बंस को, खुशी का ठिकाना नहीं था यहाँ फैंस का पहली गेंद पर ऐसी सीरीज की। क्या शानदार शुरुआत करी मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी से। हसीब हमीद डेविड मलान के बीच दोस्तों सिर्फ 11 रन की पार्टनरशिप हो पाई, जहां पर दोस्तों डेविड मलान आउट हो जाते हैं 6 रन बनाकर 9 गेंदों में जोस हेजलवुड की गेंद पर। एलेक्स कैरी लेते हैं यहाँ पर कैच डेविड मलान का, उसके बाद कप्तान जो रूट भी दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये रन मारेंगे, लेकिन कप्तान जो रूट बिना खाता खोले ही जोस हेजलवुड की गेंद पर अगले ओवर के बाद ही आउट हो जाते हैं। वरार वार्नर पकड़ते हैं यहाँ पर दोस्तों जो रूट का कैच। बैन स्टॉक आते हैं, हसीब हमीद दूसरे छोर पर खड़े होते हैं, लेकिन अब दोस्तों बैन स्टॉक भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाते। 21 गेंदों में 5 रन बनाते एक चौके की मदद से पैट कमिंस लेते हैं यहाँ पर अपना इस मैच का पहला विकेट और बैन स्टॉक को कर देते हैं चलता। मार्नस लाबुशाना पकड़ते हैं यहाँ पर कैच, मतलब ये सबसे बड़ा विकेट है दोस्तों बैन स्टॉक के रूप में, क्योंकि आप सभी को याद होगा हिडिंगले लीड्स की वो पारी जहां पर बैन स्टॉक ने अकेले दम पर मैच निकाल कर दिया था। उसके बाद तो दोस्तों विकेट का सिलसिला रुका नहीं, हसीब हमीद 25 रन बनाकर आउट हुए 75 गेंदों में। पैट कमिंस की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ा था। ओली पॉप और जोस बटलर के बीच थोड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी, जो करीब 72 रन की पार्टनरशिप थी, 72 नहीं दोस्तों 52 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन हमें देखने को मिला किस तरीके से जोस बटलर भी हो जाते हैं आउट, जहाँ से
सेकंड सेशन लगता है। 58 गेंदों में 39 रन बनाते हैं जॉस बटलर। दोस्तों हर बार यही कहा जाता है कि शुरुआती जो सेशन के 15 ओवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट सेशन के, क्योंकि वहां पर विकेट जाने का चांस रहता है। और वही देखने को मिला कि 15 ओवर के अंदर ही टीम के 4 विकेट गिर चुके थे 29 रन पर। तो ये एक दिक्कत रहता है हमेशा ही टेस्ट क्रिकेट में कि शुरुआती 15 ओवर फर्स्ट सेशन के दिन की शुरुआत के अगर आप बचा ले जाएंगे तो आपके लिए दिन का खेल आपके हाथ में हो सकता है। लेकिन यहाँ बात करें किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जॉस बटलर के आउट होने के बाद ओली पॉप ने मैच संभालने की कोशिश की, लेकिन ओली पॉप को भी चलता कर दिया। यहाँ पर कैमरॉन ग्रीन ने 35 रन पर खेल रहे थे, ओली पॉप उनको चलता किया। क्रिस वॉक्स ने 24 गेंदों पर 21 रन बनाया था 4 चौके की मदद से। स्ट्राइक रेट के साथ बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 4 चौके की बदौलत दोस्तों यहां पर क्रिस वॉक्स ने भी इनका विकेट लिया और हेजलवुड ने पकड़ी थी कैच। ओली रॉबिन्सन बिना खाता खोले ही वापस चले गए 3 गेंदों में। मार्क वुड ने 15 गेंदों पर 8 रन बनाया और जैक लीच लास्ट में नाबाद खड़े रहे, लेकिन पैट कमिंस ने लास्ट में क्रिस वॉक्स, ओली रॉबिन्सन और उनके साथी खिलाड़ी मार्क वुड का विकेट लिया। और उससे पहले उन्होंने हसीब हमीद का विकेट लिया था और बैन स्टोक का। ऐसे करते हुए यहाँ पर जॉस हेजलवुड के खाते में 2 विकेट, मिचेल स्टार्क के खाते में 2 विकेट और पैट कमिंस कप्तान के खाते में 5 विकेट आई। कैमरन ग्रीन 1 विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन टीम इंग्लैंड 147 रन पर हो गई है दोस्तों ऑल आउट। और ये हुआ है यहाँ पर इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स के पारी समाप्त। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी देखने लायक होगी, क्या सचमुच पिच में खराबी है या फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी यहाँ पर खराब देखने को मिली। ये एक अपने आप में ही बहुत काफ़ी दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलने वाला है अब मैदान पर। लेकिन वही बात करें दोस्तों किस तरीके से इस ऐसे सीरीज़ की क्या दोस्तों इसकी कहानी है, क्या यहाँ पर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सुने हैं ऐसे सीरीज जैसे सीरीज आखिर ऐसा क्या है। तो आप सभी को बता दें कि किस तरीके से कहानी है 1882 की, जब क्रिकेट में बादशाह माने जाने वाले इंग्लैंड का मुकाबला ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होना था। उस समय तक एक नेशन के रूप में इंग्लैंड ने क्रिकेट पर अपना दबदबा स्थापित कर रखा था। इनकी टीम को हराना किसी भी देश के लिए असंभव जैसा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतिहास में पहली बार इंग्लैंड को उन्हीं की जमीन पर हरा दिया। यह हार इंग्लैंड की टीम खासकर वहाँ की जनता और मीडिया पचा नहीं पा रही थी। ऑस्ट्रेलिया से मिली इस करारी हार को ब्रिटिश मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस समय के खेल समाचार पत्र स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा कि इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो चुकी है और उसकी चिता जलाने के बाद राख यानी कि एसेज जिसकी वजह से नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया टीम अपने साथ ले जा रही है। इसके बाद इंग्लैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय ब्रिटिश मीडिया ने इस दौरे को इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बचाने का अवसर भी कहा था। तो दोस्तों ये इसकी ऐतिहासिक कहानी की एसेज नाम क्यों पड़ा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरीके से वापसी आएगी। आप सभी को बता दें दोस्तों यहाँ पर काफी मुकाबले खेले जाने, 5 टेस्ट मैच होंगे ऐसे सीरीज के दौरान, जहाँ भारत में दोस्तों ये मुकाबला सुबह 5:30 बजे पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है। सेकेंड जो टेस्ट मैच होगा वो 9 बजे शुरू होगा, थोड़ा अलग समय है ये इस वजह से। और वो मुकाबला दोस्तों एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जाएगा जो 9:30 बजे समय भारतीय समय अनुसार शुरू होता देखने को मिलेगा। तो मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो चुका है। पैट कमिंस जैसे गेंदबाज ले रहे हैं विकेट, तो सामने से क्या यहाँ पर अब मार्क वुड जैसे खिलाड़ी भी विकेट लेते नजर आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ जैसा खतरनाक बल्लेबाज है जिसको रोक पाना 2019 में भी मुश्किल था और 2021 में भी मुश्किल हो सकता है। देखते दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करती है इस मैदान पर या इंग्लैंड का पलटवार होगा इस ऐसे सीरीज में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।